औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानि वज़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वालों के लिए उत्तर प्रदेश से बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि अब यहाँ पर सातवें चरण के जो यहाँ पर जो रैलियाँ हैं और जो यहाँ पर कैंपेनिंग है वो कल से समाप्त हो जाएंगी और सातवें चरण की वोटिंग को लेकर यहाँ की आवाम अब बहुत उत्साहित नज़र आ रही है। और इसी बीच बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कैंपेनिंग और उनका जो काफिला है वह हैदराबाद के लिए कल 5 बजे रवाना हो जाएगा। और इसी बीच अब यहाँ पर यह देखना होगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी कितने सीटों पर यहाँ पर अपनी जीत को तय करती है। तो आप सब मिलकर मजलिस का साथ दें और उसके बाद यहाँ पर जो सातवें चरण की जो वोटिंग होने जा रही है और यहाँ पर जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवार जो मैदान में हैं उनको लेकर मैं आपको कुछ खबरें बताता चलूं कि गुड्डू जो शाह आलम साहब हैं उर्फ गुड्डू साहब हैं उनके हक में यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वाले अपना एक एक कीमती वोट देकर उनको कामयाब बनाए। और यहाँ पर मुबारकपुर सीट से शाह आलम साहब और गुड्डू साहब की जीत लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि वो मौजूदा विधायक भी रह चुके हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी में आने के बाद से ही उनका कद और बढ़ गया है और यहाँ पर आवाम उनका साथ देने के लिए उनके साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में जिस तरह से वो 2 बार विधायक मुबारकपुर से हैं वो जीत की हैट्रिक लगाने के लिए जीत की यहाँ पर अपनी तीसरी मरतबा जीत तय करने के लिए वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिशें की है और उन्हीं कोशिशों का ये नतीजा निकला है कि उत्तर प्रदेश की आवाम उत्तर प्रदेश की जनता अब शाह आलम साहब के साथ मिलकर यहाँ पर एक नया इतिहास लिखेगी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के उम्मीदवारों को यहाँ पर बड़ी कामयाबी हासिल होने का अंदेशा लगा हुआ है। माना जा रहा है कि यहाँ पर मुबारकपुर की जनता अब शाह आलम साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के साथ खड़ी हुई है और उत्तर प्रदेश में मजलिस और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच ये कड़ी टक्कर रहेगी। तो आप सब मिलकर गुड्डू जमाली साहब का साथ दें और यहाँ पर उनको कामयाब बनाने के लिए अपना एक एक कीमती वोट उनके हक में देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूत बनाए। और मजलिस से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएँ और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।